लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के समर्थन में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार और रोड शो किया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि अखिलेश यादव ने सांसद रहते हुए आजमगढ़ से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं किया। उनकी संसद में उपस्थिति मात्र 32% रही है, जबकि उपस्थिति के लिए संसद में कम से कम 33% होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध राजनीतिक रूप से हो रहा है। संसद पे ना के बराबर 32% मतलब जो फेल वाला होता है वो 33% कम से कम होना चाहिए, तो उपस्थिति में फेल है। और आजमगढ़ आज कई सारी समस्याओं को अगर झेल रहा होगा तो उसका कारण यहां के सांसद रहे लोग ही हैं जिन्होंने एक बार भी आजमगढ़ का कोई बात सदन के ऊपर नहीं रखा कि यहाँ कोई ये समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या होगी, यहाँ पानी की समस्या होगी, यहाँ सिंचाई की समस्या होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र का कितना काम कर सकता है मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने 8 साल में 13,600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेकर के अपने यहाँ खर्च किया है। आजादी के 75 वर्ष महोत्सव के तहत कल लखनऊ के निराला नगर में स्थित सरस्वती कुंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वीर सपूतों के बलिदान को पहचान देने का काम किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सकें। कार्यक्रम के माध्यम से शौर्य चक्र और सेना मेडल से सम्मानित कर्नल बाबूराम कुशवाहा को सम्मानित भी किया गया। जो इतिहास है उसको प्रखंडित करने का काम लगातार आक्रांताओं द्वारा किया गया, और मेरा मानना है कि जिस देश का कमजोर करना हो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसके इतिहास से छेड़छाड़ कर दो, निश्चित रूप से वो देश विखंडित होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिस देश का सांस्कृतिक चरित्र, उसकी सोच, उसका इतिहास और देश के प्रति राष्ट्रीय भावना के ओत प्रोत वाले लोग उस देश में जब तक मौजूद रहेंगे, उस देश के मान सम्मान और सीमा को छूने की हैसियत किसी बाहरी ताकत की नहीं हो सकती।